इजराइल को मिल गया दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रधानमंत्री का साथ। जंग में कूद पड़ा इटली, कांप उठे 57 मुस्लिम देश। वो प्रधानमंत्री जो कट्टर मुस्लिमों से करती है बहुत नफरत। अब इजराइल पहुंचकर रिदु को खत्म करने की खाली सौगंध। पीएम मोदी देंगे जॉर्जिया मिलोनी का साथ। इजराइल की जमीन पर पैर रखकर कर दिया दुनिया को हिलाने वाला ऐलान। इटली की पीएम जॉर्जिया मिलोनी और पीएम मोदी की दोस्ती कितनी गहरी है पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जैसे ही अचानक इजराइल की धरती पर जॉर्जिया मिलोनी का जहाज उतरा, फिलिस्तीन में खलबली मच गई। हमास के आतंकी मैदान छोड़कर इजिप्ट के रास्ते भागने लगे। अपने पति से तलाक का गुस्सा लगता है। मिलोनी हमास के आतंकियों को खत्म करके निकालना चाहती है। ना ब्रिटेन, अमेरिका, रूस भी नहीं, अब इटली की धाकड़ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगी। जी हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला प्रधानमंत्री इजराइल के युद्ध में कूद पड़ी है। कल तक हमास को अपना परमाणु बम देने की धमकी देने वाला पाकिस्तान भी डरने लगा है। इटली की जंग में कूदने से दुनिया के 57 मुस्लिम देश कांप उठे हैं। जॉर्जिया वो प्रधानमंत्री है जो मोदी और भारत से बहुत प्यार करती है, लेकिन कट्टर मुस्लिमों से उतना ही नफरत करती है। भारत के साथ मिलकर जॉर्जिया मिलोनी क्या करने वाली है ये बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल पहुंचकर मिलोनी ने कौन सा ऐलान किया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप गई है। दुनिया के नक्शे में शामिल सभी 57 मुस्लिम देश कांप उठे हैं और हमास के आतंकी सरेंडर करना चाहते हैं। जिस तरह से मोदी दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, उसी तरह से इटली की पीएम जॉर्जिया मिलोनी भी दुनिया के कट्टर मुस्लिम आतंकवाद को मिटाना चाहती हैं। पिछले महीने जब G20 की बैठक में मिलोनी हिंदुस्तान आई थी, उसके बाद मोदी और मिलोनी की दोस्ती वाली ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। भारत से जाने के बाद मिलोनी का अपने पति से 10 साल बाद तलाक हो गया, लेकिन अब अचानक से इजराइल पहुंचकर जॉर्जिया मिलोनी ने हमास के आतंकियों पर कहर बनना शुरू कर दिया है। जॉर्जिया मिलोनी ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि आज नहीं तो कल हमास जैसे आतंकियों को खत्म करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल पहुंचकर मिलोनी ने कहा है कि मैं यहां आकर खुश हूं, इटली सरकार और इटली के लोगों की तरफ से मैं यहां आई हूं और इजराइल का समर्थन करती हूं। हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जो अविश्वसनीय है। आतंकवाद ऐसी चीज है जिससे हमें कल और आज लड़ना है। हम इजराइल के अस्तित्व, अपनी रक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करते हैं। हम पूरी तरह से समझते हैं कि आतंकवाद से लड़ना होगा और इसे खत्म करना होगा। इजराइल के युद्ध में जॉर्जिया मिलोनी के आने से दुनिया के 57 मुस्लिम देश डर के मारे कांपने लगे हैं, क्योंकि मिलोनी कट्टर मुस्लिमों से नफरत करती हैं और अब तक खुद इटली से हजारों कट्टर मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल चुकी हैं। सूत्रों का दावा है कि इजराइल पहुंचने के बाद जॉर्जिया मिलोनी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है और इटली भारत के साथ मिलकर एक स्पेशल ऑपरेशन इजराइल के अंदर शुरू करने वाला है। इटली अपने कुछ युद्धपोत मिसाइलों को इजराइल भेजने की तैयारी में है। इसकी खबर जैसे ही पाकिस्तान को लगी, हमास के आतंकियों से ज्यादा पाकिस्तान डर गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही परमाणु हमले की धमकी दी थी। 4 साल बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे हैं और फिलिस्तीन का झंडा लगाकर समर्थन किया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान 20,000 लोगों को हमास के साथ लड़ने के लिए अपने देश से भेज रहा है। लेकिन अब जॉर्जिया मिलोनी इजराइल हमास की जंग में कूद पड़ी है। भारत पहले से इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में इटली और इजराइल की सेना मिलकर अगर कोई ऑपरेशन करती है तो 24 घंटे के अंदर हमास खत्म हो जाएगा। जॉर्जिया मिलोनी ने इजराइल का समर्थन करके सही किया है या गलत किया है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।